एक शख्स रात को सो रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। अब वो बड़ा करवटे बदल रहा है कि मैं नींद ही नहीं आ रही। आखिर वो बिस्तर से उठा, कपड़े तब्दील किए, गाड़ी निकाली और ड्राइविंग करता हुआ निकल पड़ा। अब चलते 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 काफी दूर जाकर इस मस्जिद नजर आई उसको। तो उसने कहा चलो यार मस्जिद में चलते हैं, कुछ नमाज वगैरह पढ़ लें, दिल को सुकून मिल जाएगा। अब गाड़ी उसने पार्क की, वुजू वगैरह किया। जैसे मस्जिद के अंदर आया, एक शख्स दुआ मांग रहा था, रोते रोते गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। अब उस शख्स ने जब उसको रोते हुए देखा तो दिल में उसके ख्याल आया कि लगता है यार इसके मदद के लिए मुझे भेजा है, या इसकी मदद के लिए मैं यहां आया हूं। अब जैसे वो दुआ से फारिग हुआ, उसने आगे बढ़कर सलाम किया और उससे पूछा कि भाई खैरियत, आप इतना रो रहे हैं? वो कहने लगा कि मेरी बीवी का ऑपरेशन है सुबह, मेरे पास रकम नहीं है, बहुत परेशान हूं। उसने पूछा कितनी रकम चाहिए? कहने लगा 10,000 रुपए की जरूरत है। उसने जेब से पर्स निकाला, 10,000 रुपए निकाले और उसको दिए। जैसे उस शख्स ने 10,000 रुपए लिए, वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में बड़ा सुकून तारी हो गया, मेरा दिल जो बेचैनी थी ना वो सुकून में तब्दील हो गई। मैंने कहा कि बस यही नेकी मुझे करनी थी। अब मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ अपना कार्ड निकाला और उस शख्स को देते हुए कहा कि ये कार्ड रख लो, जब भी आपको जरूरत हो आप मेरे पास आ जाना। तो उस शख्स ने 10,000 तो रख लिए, कार्ड वापस कर दिया, कि इस कार्ड की मुझे जरूरत नहीं है। कहने लगा नहीं रख लो, जब जरूरत हो तुम मेरे पास आ जाना, तुम्हारी मैं मदद कर दूंगा। कह नहीं मेरे पास इससे अच्छा पता है। खरा कमाल है, जब इससे अच्छा पता है तो मुझसे क्यों लिए? तो कहने कौन है जिसका तुम्हारे पास पता है? कह रहे जिसने आज तुम्हें भेजा है। हैं? जिसने आज तुम्हें भेजा है। अरे मैं जब गमजदा होगा, जब मैं परेशान होगा, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाऊंगा, अल्लाह मेरे मसाइल को हल फरमा देगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।